बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में एक चैनल सवाल जवाब ज्यादा कर रहा है कंटिन्यू, लेकिन बीच में आण के हमला करना और उसको फोकस करके दिखाना, तो ये किसी एक चैनल की बड़ी साजिश उसकी है। एक पहला इस पे अटैक करा उसने, फिर दूसरा इस पे करा तो गलत चीजें हैं। कौन पैसे दे लग रहा, देखो ना कभी किसी सरकार ने बात करी पैसे वाले इन्वॉल्वमेंट में, हम सरकार को कहने लगे उसने करी है, बहुत बार सरकारों से बातचीत हुई, ये इस तरह के लोग कहां से आए इसकी पूर्ण रूप से उस पैसे वाले मामले की भी जांच होनी चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स है भैया, तो फ्लाइट में हमको अपनी सिक्योरिटी जाने की आजादी दे तो हम भी ले आएंगे। देखो घटना तो भाई पुलिस जानकारी करेगी, हमको तो जानकारी है नहीं, हम तो पूरे देश और पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन किसी को क्वेश्चन करना है वो जवान साहब ने क्वेश्चन कर मैं उसका सवाल दे दे, लेकिन ये कौन सा है कि ये दो दो बार ये माइक उठाकर मारपीट करना, ये देखो ये सब, ये अगर हाथ ना आए आदमी अड़ा हुए तो सीधा सिर पर मारेंगे, तो ये तो पुलिस की जानकारी में रहना चाहिए कि क्या है ये, पुलिस ये पता लगाएगी कि घटना किसने की, हाँ, लेकिन क्यों हुई उसकी जानकारी तो आप तीन लोगों को वो व्यक्ति मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, नरेंद्र मोदी का पोस्टर था, अब हमारा तो सरकार के खिलाफ तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, तो वो कोई ना कोई मैनिपुलेशन है, अब ये मैनिपुलेशन क्या है ये तो पुलिस जांच में बताएगी, ये तो कर्नाटक पुलिस को साफ करना पड़ेगा अपना चेहरा कि उनके, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री का फोटो ले रहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा और इस तरह की घटिया हरकत कर रहा प्रेस में, मतलब मैंने फोटो कोई भी ला सकता है, लेकिन जिस तरह का आप मेरी हमारी बात नहीं सुने, हम नहीं कह रहे सरकार के लोग थे बीजेपी के लोग थे, लेकिन जांच कौन करेगा बताएगा कौन। चलिए ठीक है, हमारी जानकारी के मुताबिक जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कोडीहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ, उस पर सफाई देने आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो क्यों ना माना जाए कि चूंकि आप वहाँ पे कोडीहल्ली चंद्रशेखर के बारे में, भाई चंद्रशेखर इंग्लिश नहीं जानता और हम कन्नड़ नहीं जानते, हमारी वीडियो दिखाओगे किसकी बातचीत उससे हुई, फोटो तो हजारों आदमी रोज फोटो खिंचवाते हैं, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आए तो 50 लोगों ने खिंचवाए होंगे, फोटो दिखा के किसी पे एलिगेशन लगाना गलत है। एक चैनल वहां पर था, जो चैनल वो दिखा रहा वही चैनल वहां पर आया, और चैनल भी थे, आप लोग भी थे, और वो जिस तरह से क्वेश्चन और जवाब कर रहा था वो था कि वो टीआरपी बढ़ाने का उसका पूर्ण रूप से चक्कर एक चैनल का था, हम ऐसे चैनल का बहिष्कार भी करेंगे। और सर आपके ऊपर मारपीट हुई है, इससे पहले इस तरह की साजिश नहीं हुई और ये पहली बार ये हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मारपीट करे, और सर आपको लगता है कोई भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, वो पुलिस जांच करेगी। क्योंकि आप सफाई देने आए थे, जो कि वो तो अपनी बात कह रहे, अरे बात तो कहेंगे ही नहीं, हम अपनी बात क्यों नहीं कहेंगे। आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट का पुलिस लैब से सिक्योरिटी लैब से, बिल्कुल सिक्योरिटी लैब से भैया, तो फ्लाइट में हमको अपनी सिक्योरिटी जाने की आजादी दे तो हम भी ले आएंगे, वो देख लेंगे। यहाँ जिम्मेदारी पुलिस यहाँ पे थी, उनको पता था, इंटेलिजेंस का पता बिल्कुल पता था, इंटेलिजेंस वाले अंदर थे और वहाँ पे बीच में कोई नहीं, वहाँ पे आया लोगों ने ही उनको पकड़ कर दिया, पुलिस की जांच है और यहाँ की हमारी ये है कि उसकी जांच हो, वे कौन लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए। सर जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह वो तो झूठा है, कोई चीज किसी की है फोटो के आधार पे कोई चीज बताना, उसकी तो हम जांच करवाएंगे। उसकी किसान आंदोलन के समय में चंद्रशेखर जी के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध थे, यहाँ पर से लोग गए भी थे आपके समर्थन? नहीं नहीं, समर्थन तो ये तो 550 संबंध है, अभी क्या संबंध है? 550 किसानों का संगठन है ये, वो भी वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे वे अलग अलग ग्रुप में हैं, वो गए हैं तो उन्होंने फोटो खिंचवा लिया होगा, वहाँ पे गया तो तीनों जगह, लेकिन होटल में आंदोलन के दौरान जो नेता होटल में रुक रहा है तो उसका हमें शक तो है भाई, वो आज जानकारी। शनिवार को जब कोडीहल्ली चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ऐसा ही कुछ हुआ था प्रेस क्लब के अंदर, जहाँ चंद्रशेखर के ऊपर ऐसा ही इंक डाला, पता नहीं हमें तो ज्यादा है नहीं, हमारी तो बातचीत हुई नहीं, वो
इंग्लिश नहीं जानता, हम कन्नड़ नहीं जानते, फोटो उसने जरूर खिंचवा। मोटे तौर पे हम माने कि अभी आप इस बात को मान रहे हैं कि चंद्रशेखर जी से आपके कोई नजदीकी ताल्लुकात नहीं है। नहीं, हमारे कोई नजदीकी ताल्लुकात। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्रोफेसर की डेथ के बाद चंद्रशेखर ने केआरएस को छोड़ के अलग ग्रुप बना लिया था। हम गंगा केटी गंगाधर और चौकी का जो जिसको चलाते हैं वो जो ग्रुप है वो हमारा नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर है। चंद्रशेखर हमारे कोऑर्डिनेशन में नहीं है। चंद्रशेखर एसकेएम में होगा, लेकिन जो हमारी कोऑर्डिनेशन जिसको प्रोफेसर साहब ने और टिकैत साहब ने 1999 में बनाया था एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को, उसका हिस्सा चंद्रशेखर है ना, वो हमारे काम करता है ना वो उसका हिस्सा, वो एकदम अलग उसका संगठन है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो जैसा राकेश जी ने कहा वहाँ दुनिया भर के संगठन उसको सपोर्ट कर रहे थे, हो सकता है वो भी कर रहा हो, लेकिन हमारे साथ नहीं। सर राकेश सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, सिंह ऑपरेशन में जब करने के टाइम पे कोडियाली चंद्रशेखर ने बोला था कि पैसे उन्होंने लेकर आपको और यदुवीर को हमको पैसे देना चाहिए सर, इसलिए इतना पैसे चाहिए। कैमरा देख के बाद, ये तो गलत चीजें हैं, कौन पैसे देने लगा? देखो ना, कभी किसी सरकार ने बात करी पैसे वाले इन्वॉल्वमेंट में, हम सरकार को कहने लगे उसने करी है, बहुत बार सरकारों से बातचीत हुई, ये इस तरह के लोग कहां से आए, इसकी पूर्ण रूप से उस पैसे वाले मामले की भी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट फेलियर है, सिक्योरिटी पर्पज से फेलियर है, इसकी जांच होनी चाहिए, जो उसने ईस्टिंग ऑपरेशन में उसकी भी जांच होनी चाहिए, और भाई बड़ा मामला है, थोड़ा पैसों का भी जांच होनी चाहिए, किसने कहा है उसे चंद्रशेखर को भी पकड़ के जांच होनी चाहिए। सर यहाँ पे दो चीज है, एक वहाँ पे मोदी मोदी नारा लगाया जा रहा था, एक बंदा जो आपके ऊपर इंक फेंका, दूसरा है आपको ये ध्यान सोची समझी थी कि वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर कोई इशू भी नहीं था, बातचीत चल रही थी, लेकिन एक टाइम तक हमको ये लगा कि दूसरी प्रेस है नहीं, और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में एक चैनल सवाल जवाब ज्यादा कर रहा है कंटिन्यू कि मेरी टीआरपी बढ़े, वो कर रहा है, दूसरे तो और प्रिंट मीडिया थे वो अपना फोटो खींच रहे थे, एक दो चैनल थे उसका हमें अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन बीच में आके हमला करना और उसको फोकस करके दिखाना तो ये किसी एक चैनल की बड़ी साजिश उसकी है। अब उनके खिलाफ भी ये करेंगे? हम बिल्कुल सबके खिलाफ हम करेंगे, जांच सबकी होनी चाहिए। कंप्लेंट दे रहे हैं आप? बिल्कुल कंप्लेंट देंगे, इसका मेडिकल भी करवाएंगे, कंप्लेंट भी देंगे। गवर्नमेंट से किसी ने आपको फोन किया है? अभी तो नहीं फोन किया, अभी हमारी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, हमारे तो अपने लोग जो यूपी में है और जगह है पूरे देश से उससे फोन आ रहे हैं, हमने उनको कहा कि शांत रहो और पीएमओ को उनको चिट्ठी लिखो कि इसकी पूरे घटनाक्रम की जांच हो, और सरकार से किसी ने मुख्यमंत्री ना अभी किसी का फोन नहीं। ये तो दोनों पे है ना, दो एक पहला इस पर अटैक करा उसने, फिर दूसरा इस पर करा, वे तो हाथों से ही तो रुक जाते सारे। नहीं, आपने हाथ हमने तो हजारों इंटरव्यू दिए वहाँ पे, हर रोज 13-13 घंटे इंटरव्यू पर रहे, और जो ये पैसे वाला ये है ना, ये इस तरह का सरकार पे एलिगेशन लगाना, कभी भी हमारे पास में इस तरह की किसी की कोई ना ऑफर आई ना वो बात करी, सरकार ये जरूर बात करती थी कि बैठ के बातचीत करो, हमारे 13 महीने आंदोलन चले, हमारी बातचीत मुद्दों के आधार पर थी, और एक दिन आया कि मुद्दे हमारे जो मुद्दे थे वे सोल्व हुए, और जो अभी बाकी रह रहे हैं वो भी सरकार से बातचीत चल रही है, एमएसपी का है सवाल, पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, ये सारे सवाल।